देश में सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या के श्री राम पर फैसला आने वाला है, जिसको लेकर बुधवार को जिला प्रशासन की पूरी टीम देपालपुर थाने पर पहुंचकर जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों से संवाद साझा किया। एसपी साहब को विश्वास दिला रहा हूं, तो कृपया आप लोग इस तरह का कोई भी चीज, मेरा ऐसा नहीं, आसपास के मोहल्ले के गाँव में भी कई बार ऐसा होता है, बेटवा में भी हमें कोई पता लग जाता है, संपर्क तो हमारे सबके है ही, तो वहाँ के लिए भी आप सहयोग करें। अगर कोई चीज ऐसी होती है उसको रोकना है, और उद्देश्य केवल इतना है कि हमारे नगर का वातावरण और सब चीजें अमन चैन बनी रहे, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। मीटिंग में कहता हूँ कि परेशानी या दिक्कत पैदा आम लोग नहीं करते, आम लोगों को तो केवल सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहती है कि वो किसी के बहकावे में ना आए या सोशल मीडिया में बात चले तो उस पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करें, क्योंकि वो अपराध भी हो गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है, पहले कोई भी मैसेज को ओरिजिनेट करने वाला बनाने वाला व्यक्ति अपराधी होता था। अब वर्तमान में ये कानून है कि यदि आप किसी ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, आप बालिग हैं, आप समझते हैं कि ये मैसेज गलत है, ये किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला है, और आप ऐसे किसी फोटो को, वीडियो को, पिक्चर को, मैसेज को अगर फॉरवर्ड करते हैं जानबूझ के, जानते हुए, तो ये अपराध की श्रेणी। इस संवाद में इंदौर पश्चिम एसपी अवधेश गोस्वामी, अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन, एडिशनल एसपी धर्मराज मीणा, तहसीलदार अवधेश चतुर्वेदी, एसडीओपी राम कुमार राय की मौजूदगी में देपालपुर क्षेत्र के किसान, व्यापारी, भाजपा, कांग्रेस के नेता, सभी दल के जनप्रतिनिधि संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान अपर कलेक्टर पवन कुमार जैन ने कहा, फैसला चाहे जो भी आए, मैं पहली भी यह पर एसडीएम रह चुका हूं, यहां की लोगों से मैं भली भांति परिचित हूं, पति हूं, संहिता में कोई गलती ना करे। इंदौर पश्चिम एसपी अवधेश गोस्वामी का कहना है कि किसी के बहकावे में ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।